हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नौशाद आलम स्वागत करता हूं आप सभी का नौशाद आलम क्लासेस में। मैं लेकर आ गया हूं आज आपके लिए फिजिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में हम लोग संधारित नामक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको गोलीय चालक की धारिता का कंसेप्ट बताया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी चालक में कितनी ऊर्जा जो है संचित होती है। आज हम लोग उस कंसेप्ट को देखेंगे। ये क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर में भी पूछा जाता रहता है, बहुत बार आपको सवाल देकर आपको न्यूमेरिकल्स पूछ दिए जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, और इसके कंसेप्ट को भी पूछा जाता है कि क्या क्या होता है, इसका व्यंजक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के कंसेप्ट को देखने वाले हैं कि किसी भी गोलीय चालक किसी भी आवेशी चालक की जो है उसके चालक के अंदर में संचित ऊर्जा कितनी होती है। अगर आपको उसकी धारिता पता हो तो उसमें संचित ऊर्जा का मान कितना होता है। ठीक है, तो देखिए जरा सा, हमने लिखा है आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किसी भी आवेशी चालक की हमको स्थितिज ऊर्जा फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ लाइन लिखा हुआ है जो इसको डिफाइन करेगा कि क्या ये टर्म है क्या नहीं है। ठीक है, लिख रहा है कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कुल कार्य से मापी जाती है। किसी भी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कुल कार्य से मापी जाती है। कार्य का मतलब आप जानते हैं ना, W होता है। ठीक है, W से सूचित करते हैं किसको, कार्य को। ठीक है, अच्छा, जो उसे प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में, ठीक है, करने में किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई चालक है, ये हमारे पास मान लेते हैं कोई चालक है, तो इस चालक को, ठीक है, आवेशित करने के टर्म में हमको जितना आवेश देना पड़ता है, ठीक है, और उसमें उस आवेशन के क्रम में जितनी ऊर्जा उसमें संचित होती है वही कहलाती है क्या, आपकी स्थितिज ऊर्जा। वही बोल रहा है कि आवेशित करने में किया जाता है यह कुल कार्य, मतलब जितना हमने कार्य किया उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, आपको जाके उसमें संचित हो जाती है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, किसी भी चालक के अंदर आपकी जो स्थितिज ऊर्जा का जो वैल्यू होता है वो एकाएक, अगर उसमें अगर ऊर्जा की बात करें, अगर किसी भी चालक के अंदर ऊर्जा की बात करें तो एकाएक नहीं होता। अगर हम किसी भी चालक को आवेशित करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें आवेश जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि हमने आवेशन करना शुरू किया, कोई चालक है और आवेशन शुरू किया और अचानक से इसमें क्यू आवेश दिया हमने और ये सारा का क्यू इसमें चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अगर हम कोई अगर किसी चालक को आवेशित कर रहे हैं किसी दूसरे आवेशी चालक से, ठीक है ना, ये अनावेशी चालक था है ना, ये अनावेशित, ये हमारे पास मान लेते हैं चालक है, समझेंगे कॉन्सेप्ट, चालक हमारे पास ये हमारे पास अनावेशित था, है ना, वेशित था। ठीक है, और इसी को हमको क्या करना है, आवेशित करना है। तो यहाँ से हम इस चालक से क्या कर रहे हैं, क्यू आवेश दे रहे हैं। तो अब क्यू आवेश देना शुरू करेंगे तो एकाएक तो इसमें क्यू आवेश जाएगा नहीं, धीरे धीरे करके स्मॉल अमाउंट में छोटे आपको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, इसमें क्यू ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होने के बाद कम्प्लीटली इसमें से क्यू ट्रांसफर हो जाएगा और इस क्रम में क्या होगा, इसमें ऊर्जा संचित होगी और इस दौरान जो कार्य करना पड़ेगा, बोल रहा है कि उसी कार्य को क्या कर रहा है ये, इसमें इस अनावेशी चालक में जो आवेशित होगा उसमें क्या होगा, आपको स्थिति ऊर्जा का क्या होगा, संचय होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी चालक को आवेशित करने के दौरान क्या होता है, जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसमें आवेश के साथ साथ क्या होता है, विभव की भी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो उसमें विभव की भी उत्पत्ति होती है, तो देखते हैं इसके कंसेप्ट को और क्या होता है इसमें, जरा सा बात करते हैं। हम लोग इसका व्यंजक निकालेंगे और क्या होने वाला है जरा सबको धीरे धीरे समझेंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं, माना कि एक चालक की धारिता आपको दी गई है कितनी, हमने मान लेते हैं कि कोई चालक है उसकी धारिता कितनी दी गई है, सी दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है, किसी भी चालक की धारिता कितनी दी गई है, सी। सी क्या होता है, धारिता क्या होती है, धारिता को मैंने आपको बताया था, धारिता जो होती है किसी भी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही बतलाती है आपको धारिता। कोई भी चालक कितना आवेश ग्रहण कर पाता है उसी से हमको पता चलता है कि उस चालक की धारिता का मान क्या है, यानी आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वही कहलाती है आपकी चालक की धारिता। ठीक है, तो हमने माना कि किसी भी एक चालक है जिसकी धारिता कितनी है, सी है। ठीक है, आवेशन कर रहे हैं हम, तो आवेशन के क्रम में ठीक है, आवेशन के क्रम में जब हम उसको आवेशित करेंगे तो उस पर क्या होगा, विभव
चालक के अंदर में क्या होगा, विभव उत्पन्न होगा। तो आवेशन के क्रम में विभव भी, आवेशन के क्रम में विभव भी आवेश Q के कारण उत्पन्न होता है। आवेशन के कारण आवेशन के क्रम में विभव भी आवेश Q के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर हम किसी चालक को आवेशित कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें से स्मॉल अमाउंट में जाएगा, और पूरा का पूरा क्यों तो जाएगा नहीं, स्मॉल अमाउंट में क्यों जाएगा, धीरे 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 जाएगा। तो हमने बोला कि जब आवेशित कर रहे हैं तो आवेशन के क्रम में क्या हो रहा है, क्यू आवेश जो है इससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो क्यू आवेश ट्रांसफर होगा तो उसमें क्या होगा, विभव उत्पन्न होगा। तो धीरे धीरे उसमें भी विभव क्या होगा आपका, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि अगर हम किसी चालक को आवेश दे रहे हैं, बेसिकली क्यू दे रहे हैं, और उसका विभव भी है, और ये भी जानते हैं कि उसकी धारिता कितनी दी गई है, सी दी गई है। तो आपने एक टर्म पढ़ा है धारिता के बारे में, क्यू बराबर होता है किसके, सी भी के, पढ़ा है ना, क्यू बराबर होता है हमारा सी भी के, ये आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमको किससे मतलब है, हमको मतलब है धारिता से। ठीक है, तो धारिता अगर बात करें धारिता की, तो धारिता क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू, अगर सी को पकड़े तो क्या हो जाएगा, Q बटा भी, लेकिन यहाँ पे हमारा Q क्या है, छोटा वाला Q है, तो हम लिखेंगे Q अपॉन भी, यही आएगा ना। धारिता जो आएगी आपकी कितनी आएगी, Q अपॉन भी आपकी चली आएगी, चलेगा। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर इसके विभव की बात करते हैं, ठीक है, धारिता तो हमारी आ जाएगी Q इक्वल टू सी इक्वल टू Q बाय भी, लेकिन अगर विभव निकालने जाए, विभव क्या होता है, भी होता है। ठीक है, तो विभव की बात करें भी इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, Q बाई सी होगा कि नहीं होगा, Q बाय सी होगा हमारा विभव का मान, चलेगा। अच्छा, तो ये हमने भी निकाल दिया, इसका विभव मतलब क्या कि आवेशन जब कर रहे हैं किसी भी चालक को तो उसमें विभव भी उत्पन्न हो रहा है, तो जो विभव उत्पन्न हो रहा है भी Q आवेश देने के कारण, जिसकी धारिता कितनी है, C, तो विभव हो कितना रहा है, तो विभव आपके पास आ रहा है भी इक्वल टू Q बाय सी, ये हमने विभव को लिख लिया। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब आपने ये पीछे पढ़ रखा होगा कि जो आपका कार्य जो होता है, कार्य, ठीक है, पीछे के लेक्चर में आप जहाँ पे पढ़ते होंगे पोटेंशियल के बारे में, जब आपने पढ़ा होगा विभव के बारे में, तो आपने ये पढ़ा होगा V इक्वल टू होता है W बाय Q। ठीक है, जो विभव होता है वो किए गए कार्य अपॉन आवेश के अनुपात को बोलते हैं हम लोग V, यानी विभव। ठीक है, अगर हम किसी आवेश को किसी चालक में दे रहे हैं तो उसमें कार्य, जितना भी कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका कार्य अपॉन आवेश का अनुपात कहलाता है आपका विभव। तो अगर हम यहाँ से कार्य निकालें, ठीक है, यहाँ से क्या निकालें, W, तो W कितना हो जाएगा, VQ के बराबर होगा कि नहीं होगा, W जो होगा हमारा VQ के बराबर होगा, ये हमारा पीछे का कंसेप्ट है, यानी विभव इंटू आवेश हमारा हो जाएगा किया गया कार्य। ठीक है, अच्छा, तो इसी कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करने का। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा और आगे, यहाँ से हमारा भी निकला क्यू बाय सी। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं कि किसी भी चालक को आवेशित करने के दौरान क्या होगा, एकाएक उसमें आवेश जाएगा नहीं, तो धीरे धीरे आवेश जाएगा। तो हम मान लेते हैं क्या कि उसमें आवेश हम दे रहे हैं, यदि चालक को अल्प आवेश DQ, आप जानते हैं कभी भी अल्प आवेश की बात करते हैं या फिर अल्प कार्य की बात करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, DQ इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने लिखा है यदि चालक को अल्प आवेश DQ लगातार देने पर, ठीक है, अल्प कार्य, ठीक है, किसी भी चालक को अगर अल्प आवेश हम DQ देते हैं तो उस पर क्या होगा, अल्प कार्य उत्पन्न होगा, मतलब DQ आवेश के कारण उस पर अल्प कार्य उत्पन्न होगा। तो देखते हैं कि अल्प कार्य कितना होता है, तो अल्प कार्य DW उत्पन्न होगा। ठीक है ना, क्या कंसेप्ट है, अगर किसी भी चालक को क्यू आवेश देते हैं तो उस क्यू आवेश देने का कारण अगर पूरा आवेश देते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको कार्य उत्पन्न होगा जो W होगा। लेकिन यहाँ पे अगर अल्प कार्य की बात कर, अल्प आवेश की बात करें तो अल्प आवेश के केस में हमारा जो कार्य होगा वो भी क्या होगा, आपका अल्प कार्य ही होगा। यहाँ तक क्लियर है, अल्प कार्य को किससे लिखते हैं, DW से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट करें, फिर हम इसके कंसेप्ट को ठीक करते हुए आपको क्या करते हैं, इसके व्यंजक पे हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट कर लें।
तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, वही चीज, यदि चालक किसी चालक को अल्प आवेश डी क्यू दिया जाए तो किया गया अल्प कार्य कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा। थोड़ा सा पीछे यहाँ पर ध्यान देंगे, बगल में हमने लिखा था डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू, यही फॉर्मूला होता था वर्क का, किया गया कार्य का सूत्र होता है विभव इंटू आवेश, ठीक है, वी डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू। अच्छा, एक फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखा था वी इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय वी इक्वल टू हमारे पास आया था क्यू बाय सी, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं क्यू और उसकी धारिता सी है, ठीक है ना, तो उसके लिए विभव कितना होता है क्यू बाय सी, मान लेते हैं इसको समीकरण वन जो हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब आइए अल्प कार्य के बारे में बात करते हैं, अल्प कार्य कितना डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा वी इंटू क्यू के, तो वी इंटू क्यू, तो क्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, क्यू ले रहे हैं अल्प क्यू, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे वी डी क्यू लिखेंगे ना, डी डब्ल्यू हमारा हो जाएगा वी डी क्यू के बराबर, ठीक है। अब ये हमारा हुआ अल्प, बेसिकली हमारे पास अल्प आवेश था तो उसके लिए अल्प कार्य हमको पता कर, अल्प कार्य हमको मिला, लेकिन अगर हमको किसी भी आवेशी चालक के लिए पूरा उसके अंदर में कितनी ऊर्जा संचित हो रही है ये पता करना है, तो उसके लिए हमको पूरे बेसिकली उस चालक का क्या निकलना होगा, आपको ऊर्जा निकलना होगा, तो ये हम तो छोटे से अगर मान लेते हैं हमारे पास एक चालक है, ठीक है, इतना बड़ा चालक है, तो ये छोटे से एरिया के लिए, छोटे से इलाके के लिए अगर आपको इतना आवेश मिला है, डी क्यू मिला है, तो हम इतना का निकाल रहे हैं। जब भी हम पूरे की बात करते हैं तो पूरे की बात करने में क्या करते हैं, हम उसके एरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो एरिया की जब बात करते हैं तो उसके लिए जो टर्म निकल के आता है वो आपको निकल के आता है इंटीग्रेशन, ठीक है, जरा ध्यान देंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू, और इसमें क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा वी डी क्यू हो जाएगा ना। अच्छा, अब स्टार्टिंग में बात करते हैं, अब यहाँ पे एक लिमिट सेट करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो आवेश था वो कितना था, शून्य था ना, स्टार्टिंग में आवेश कुछ नहीं था क्योंकि अनावेशी चालक था, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास आवेश शून्य था, लेकिन उसको धीरे धीरे डी क्यू देते 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 थोड़े 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 आवेश देते देते हमने क्या किया, उसको पूरा आवेशित कर दिया, तो पूरा आवेशित कर दिया, कितना आवेशित कर दिया उसको, पूरा का पूरा क्यू से आवेशित कर दिया, तो जो अपर लिमिट होगा वो कितना हो जाएगा आपका, अपर लिमिट आपका हो जाएगा क्यू, यहाँ कंसेप्ट क्लियर है। स्टार्टिंग में आवेश कितनी थी, जीरो थी, धीरे धीरे हमने डी क्यू देना शुरू किया, देते देते उस चालक के अंदर में आवेश जो है संचित होती गई, और आवेश छोटे छोटे आवेश मिलके कितने हो गए, पूरे क्यू के बराबर हो गए, ठीक है। अब आप जानते हैं कि कभी भी हम डी क्यू डी एक्स डी डब्ल्यू जब लिखते हैं, डी डब्ल्यू या फिर हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा डी एक्स, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इस टाइप का लिखते हैं, फिर डी एक्स लिखते हैं तो क्या निकलता है, एक्स निकलता है, डी डब्ल्यू लिखते हैं डब्ल्यू निकलता है, यहाँ से थीटा निकलता है, ये हमारा कंसेप्ट चलता है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, डब्ल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। भी यहाँ पे क्या है, चलो लिख लेते हैं इसको, भी हम यहाँ से उठा के लेके आएंगे, भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाय सी, चलेगा, और साथ में क्या है, डी क्यू तो है, और ये क्या होगा, जीरो से लेकर, ये थीटा नहीं है बेसिकली, ये कितना है क्यू है हमारे पास, डब्ल्यू का डब्ल्यू इक्वल टू, अब यहाँ से सी हमारा कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, तो कॉन्स्टेंट कहाँ आ जाएगा, कॉन्स्टेंट निकल के बाहर आ जाएगा, बचेगा कौन, तो यहाँ पे आपको बच जाएगा, कौन बच जाएगा जी, ये जीरो है हमारे पास, तो बच जाएगा आपके सामने कौन, यहाँ पे क्यू और डी क्यू, यहाँ पे बच जाएगा क्यू इंटू डी क्यू, क्योंकि क्यू और डी क्यू एक ही फंक्शन के हमारे पास दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और जीरो से कहाँ चलना था, जीरो से हमको क्यू तक जाना था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू का डब्ल्यू, वन बाई सी का वन बाई सी, अब एक बात बताइए, क्यू डी क्यू आपने पढ़ रखा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ये पढ़ा है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आपने बताएंगे सीधे कि एक्स में पावर वन जोड़ देंगे, तो वन प्लस वन, और नीचे में कितना, वन प्लस वन, ठीक है, ये लिखते हैं ना, प्लस क्या करते हैं सी, तो ये एक्स का पावर कितना हो जाता है टू, और नीचे भी कितना टू, तो अगर ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए क्यू का कितना आएगा, क्यू प्लस वन, यानी कितना क्यू का स्क्वायर आएगा ना, क्यू का स्क्वायर आपको चला आएगा, और नीचे में कितना आएगा, नीचे में आपको आ जाएगा टू, और पावर कितना, जीरो से लेकर बड़ा वाला क्यू तक, ठीक है, ये आपका जीरो से लेकर क्यू, हमने इसका कर दिया इंटीग्रेशन, तो ये आपको ऐसा आ गया। अच्छा, अब ये ऐसा आ गया, तो आप ये भी पढ़े होंगे कि जब भी कुछ टर्म ऐसा आता है नीचे में लिमिट वाला, जैसे जीरो से ले लिया आपको टू तक ले लिया, तो क्या करते हैं आप, पहले ऊपर वाला लिमिट जैसे टू से वन ही कर लेते हैं, तो पहले आप इस एक्स में क्या करते हैं, ऊपर वाला लिमिट यानी टू पुट करते हैं, और फिर माइनस करके क्या पुट करते हैं, एक्स एक पुट करते हैं, जो भी वैल्यू आता है वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ये कंसेप्ट चलता है, ये इनडिफिनिट सॉरी डिफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। अच्छा, तो ये तो हमारा आ गया जीरो से लेकर क्यू तक, और यहाँ पे है क्यू स्क्वायर बाई टू, और नीचे में वन बाई सी, तब इसको और सेट करते हैं, जो हमारा डी डब्ल्यू जो होगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा
वन बाय सी कॉन्स्टेंट है, टू भी कॉन्स्टेंट है, तो बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा टू सी, है ना। और इस क्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे, बड़ा वाला क्यू, तो बड़ा वाला पुट करेंगे तो कितना होगा, क्यू का स्क्वायर माइनस, फिर नीचे का जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, डब्लू का डब्लू, अब ये क्यू स्क्वायर माइनस जीरो सिर्फ क्यू स्क्वायर, यानी ये बच जाएगा क्यू स्क्वायर बाई कितना, टू सी, तो ये आपको आ जाएगा डब्लू का मान। स्टार्टिंग में आपको बताया गया है डिफिनेशन के अंदर में कि जो किया गया कार्य जो होता है उस चालक को आवेशित करने में जो भी कार्य करना पड़ता है तो वही जो कार्य होती है उस चालक में जाके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाके संचित हो जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा का आपने जानते हैं पहले से, नहीं जानते तो ध्यान देंगे। स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, यू। स्थितिज ऊर्जा के लिए जब भी सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग यू इस्तेमाल करते हैं, तो जब यू इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने लिखा यू, तो ये यू जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल गया कि किसी भी चालक में स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, ये तो हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर बाई टू सी। इसके साथ एक साथ इसी के साथ एक और जो है बहुत ही फेमस फार्मूला है जो इसी कंसेप्ट से निकल के आता है, उसको भी मैं साथ ही बता देता हूँ, जनरली सवाल उसी से पूछे गए हैं। ठीक है, आपको क्या देगा अब देखेंगे, जब निकल के आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सवाल पूछा जाता है। क्यू स्क्वायर बाई टू सी, आप ये जानते हैं क्यू बराबर होता है किसके, सी वी के, ये जानते हैं ना जी, क्यू बराबर होता है सी वी के, तो ये क्यू के जगह पे सी वी रख दे क्या, देखिए जरा, यू इक्वल टू ये क्यू स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे में कितना, टू सी होगा ना, तो यू का यू इक्वल टू यहाँ सी से वो सी कटेगा यानी कितना हो जाएगा, एक बटा दो, यहाँ बचा सी और यहाँ कितना वी, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आ गया वन बाई टू सी वी स्क्वायर, और यही आपका होता है स्थितिज ऊर्जा का क्या, स्थितिज ऊर्जा का मान। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट होता है, स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है, जो आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यही आता है यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। एक बार फिर से ध्यान से समझे, हमने बताया, ध्यान समझिएगा, आपको कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। हमने बोला कि किसी भी चालक को क्या करना है, आवेशित करना है। ठीक है, आवेशित करने में हमने थोड़े थोड़े करके उसको आवेश दिया। ठीक है, आवेश देने पे उस पर क्या हुआ, विभव उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो जब विभव उत्पन्न हुआ तो भी का मान होता है आप जानते हैं क्यू बाय सी, ये हमने लिखा। अच्छा, और फिर हमने बोला कि अगर उसको अल्प आवेश दिया जाए तो अल्प आवेश देने पे क्या होगा, उसमें कुछ कार्य होगा, और कितना कार्य होगा, वो कार्य होगा आपको डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू जो है आप जानते हैं डब्ल्यू बराबर होता है वी क्यू का कंसेप्ट, डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू होता है। ठीक, अच्छा, तो हमने लिख दिया डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू, क्यों, क्योंकि अल्प कार्य था। अच्छा, तो अगर छोटे कार्य के लिए इतना आपको, छोटे आवेश के लिए इतना कार्य मिल रहा है तो पूरे क्षेत्रफल के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आप जानते हैं जब भी पूरे एरिया की बात करते हैं तो क्या करना होता है, इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, तो यहाँ हमने लगा दिया इंटीग्रेशन और वी डी क्यू। ठीक है, और स्टार्टिंग में आपको पता है कि अनावेशी चालक था तो आवेश कितना था, शून्य था, बाद में आवेश कितना हो गया, क्यू हो गया, यानी पूरा आवेशित हो गया, तो बड़ा वाला क्यू लिख दिया। ठीक है, डब्ल्यू डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकल के आया, वी इक्वल टू हमने वहाँ से उठा के रख दिया समीकरण वन से क्यू बाय सी और डी क्यू। अब ये सी था, ये कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, डब्ल्यू इक्वल टू वन बाई सी बाहर और क्यू इंटू डी क्यू। अब कंसेप्ट हमने बताया कि जब आप लिखते हैं एक्स डी एक्स तो आप क्या लिखना पड़ता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, उसी तरह से क्या था क्यू डी क्यू, तो हमने लिख दिया क्यू स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेकर क्यू तक, वन बाई सी बाहर था, टू को भी बाहर कर लिया वन बाई टू से, ऊपर वाला वैल्यू पहले पुट करते हैं फिर नीचे वाला, तो क्यू स्क्वायर और माइनस कितना, जीरो, तो बचा गया क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ये भी हमारा किसका फॉर्मूला है, ऊर्जा का ही फॉर्मूला है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या कहा कि आप जानते हैं कि क्यू बराबर टू सी सी वी होता है, तो हमने सी वी इस्तेमाल कर लिया किसके लिए, क्यू के लिए, स्क्वायर करा तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी, तो एक सी से एक सी कट गया, बचा क्या हाफ सी वी स्क्वायर, और यही आपका कंसेप्ट होता है किसी भी आवेशी चालक के अंदर में स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वह आपका हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ये एग्जाम में पूछ भी चुका है, और इससे कंसेप्ट से रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेट करके आपसे बहुत बार ऑब्जेक्टिव के अंदर में आपसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, तो इस ये वाला जो फॉर्मूला है आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे कि किसी भी चालक की अगर धारिता सी है, उसका विभव भी है, तो उस चालक में कितनी ऊर्जा आवेशित और कितनी ऊर्जा जो है संचित होगी। ठीक है, तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए आराम से इसे नोट कर लें, या फिर इसे स्क्रीनशॉट ले लें, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड कर लें और फिर से दोबारा इसको चला के देख लें। ठीक है,
तो नोट किया जाए इसे। फिर हम इससे जुड़े एक आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ और उसके बाद हम करेंगे सेशन का समापन। देखिए कंसेप्ट जो हमने बताया अभी, क्या बताया कंसेप्ट? कंसेप्ट आपके सामने था यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, यही था ना कंसेप्ट? ठीक है, इससे संबंधित सवाल क्या पूछे जाते हैं? हमने लिखा जाए चालक की धारिता सी दी गई है 50 माइक्रो फैराड, ठीक है, माइक्रो फैराड, तो ये धारिता दी गई है। एक विभव दे दिया वी इक्वल टू 10 वोल्ट का, तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि उस चालक में स्थिति ऊर्जा कितनी संचित होगी। तो लगाइए फॉर्मूला, यू इक्वल टू हाफ है ना, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, तो यू का यू 1/2 का 1/2, सी का मान कितना दिया 50 माइक्रो फैराड, तो 50 का 50, और माइक्रो के लिए क्या टर्म यूज होता है? माइक्रो के लिए हम लिखते हैं 10^-6 इंटू बी स्क्वायर, यानी कितना का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यानी 10 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। तो इसको कट करते हैं, 2 से कितना कटेगा 25 बार में कटेगा ना, अच्छा अब ये हो जाएगा 25 इंटू ये 10^-6 और ये कितना हो जाएगा 10^+2, यानी 10 का स्क्वायर, ये 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर यानी बेसिकली आपको हो जाएगा 10^+2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 इंटू, अब इसको काट सकते हैं क्या, 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10^ कितना हो जाएगा 4, यानी आपका यू का जो मान हो जाएगा यहाँ पे यू इक्वल टू हो जाएगा 25 × 10^-4, और ये स्थिति ऊर्जा किस में आता है, ऊर्जा को हमेशा किस में मेजर करते हैं, ऊर्जा को हमेशा जूल में मेजर करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन जो है आपको इससे संबंधित ऐसे ही पूछे जाते हैं, आई होप कि आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप में कि आपको इसी में कोई डाटा मिसिंग दे देगा और आपसे पूछ दिया जाएगा बताइए, कभी सी बताइए, कभी भी बताइए और कभी आप बताइए स्थितिज ऊर्जा का मान, तो आप इस फॉर्मूले को बहुत ही केयरफुली याद रखेंगे, कंसेप्ट क्या था, कैसे फॉर्मूला आया उसको भी याद रखेंगे, आपको व्यंजक में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, आज करते हैं यहीं पे वीडियो का समापन, आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे एक नया कंसेप्ट और बेहतरीन अंदाज में बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट को आने वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।